स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। और मैं ये मतलब राइट सोच रही हूँ कि आप लोग लेक्चर रूटीन से सुन रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें मेरा तो फ़ायदा कोई नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। ओके, हम डाटा सेंटर्स को ही कंटिन्यू कर रहे थे कि डाटा सेंटर्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डाटा सेंटर बनाते हैं, मतलब एक रूम बनाते हैं। जी, कूलिंग का ही ये नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमिडिटी एंड डस्ट। ह्यूमिडिटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अमाउंट ऑफ वाटर है जो एयर के अंदर मौजूद होती है, मतलब जिसे वेपोराइजेशन कहते हैं, उसकी कितनी लिमिट्स होनी चाहिए एयर के अंदर, वो क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इन अ डाटा सेंटर इज क्रिटिकल फॉर द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। आपकी जो एयर के अंदर वेपराइजेशन है, एक नमी जिसे हम कहते हैं, तो ये क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा स्वे पार्ट है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के अंदर। व्हेन एयर इज़ टू ह्यूमिड, अगर एयर जो है बहुत ज़्यादा हाई वेपराइज होगी, कोरोजन होगी ऑफ मेटल पार्ट्स कैन अकर एस्पेशली इम्प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो देखिए ना, आप देखें, जब नमी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपके जो मेटल पार्ट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, वेपराइजेशन का जो है ना सिनेरियो ज़्यादा अप होना शुरू हो जाता है, हाई होना शुरू हो जाता है। लाइक एंड टेप्स एंड ड्राइव्स कैन गेट मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर इसमें नमी आएगी तो फिर वो क्या होगा, प्रॉब्लम्स अकर होंगी, क्रैशिज के चांसेस बन जाते हैं। व्हेन द एयर इज़ टू ड्राई, अगर एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो जाते हैं, अप टू द थाउजेंड ऑफ वोल्ट्स कैन कॉज डैमेज टू इंटीग्रेट सर्किट ऑन सर्किट बोर्ड। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, ना ही ह्यूमिड ज़्यादा होना चाहिए ना ही ड्राई ज़्यादा होना चाहिए। देयरफॉर द रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी इन अ डाटा सेंटर शुड बिटवीन 40% टू 60%, लाजमी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी इतनी नमी होनी चाहिए एयर के अंदर। फाइनली द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल, अगर डस्ट पार्टिकल डाटा सेंटर के अंदर होंगे तो वो भी कम से कम होने चाहिए, मिट्टी भी बहुत से कम होनी चाहिए, ठीक है? डस्ट से भी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। अगर नॉट अलाउइंग पीपल विजिटर्स इन द डाटा सेंटर इज़ अ गुड वे टू अवॉइड डस्ट। देखिए, डस्ट का सबसे मेनली सोर्स यही होता है कि जब हम विज़िट करवाते हैं, और हमें याद है कि जब हम विज़िट करने के लिए गए थे नस्ट में, तो उनका डाटा सेंटर हमने देखा था, लेकिन उन्होंने हमें डाटा सेंटर बाहर से व्यू करने के लिए कहा था, अंदर हमें जाने नहीं दिया था, तो वो अलाउ नहीं करते। डाटा सेंटर में वैसे भी अलाउ नहीं होना चाहिए विजिटर्स को, जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको। एंड व्हेन पीपल नीड टू गेट इन फॉर सम रीज़न दे शुड वेयर डस्ट फ्री क्लॉथिंग लाइक वाइट कोट्स एंड प्रोटेक्टिव स्लीव्स अराउंड देयर शूज़। मतलब फुल अपने आप को कवर करके जाना है, ताकि मतलब डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। फायर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड सप्रेशन। फायर इज़ वन ऑफ द मेन एनिमीज ऑफ आर डाटा सेंटर। यस, आग अगर लग जाती है किसी भी हमारी डिवाइसेस को तो यही दुश्मन ही तो होती है। इसी की वजह से क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर सारे सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द लार्ज डेंसिटी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड केबल्स। अ शॉर्ट सर्किट इन अ केबल और डिफेक्ट्स इन अ इक्विपमेंट कैन ईजीली लीड टू फायर, कोई भी वजह बन सकती है। एंड बिकॉज ऑफ द एयर फ्लो इन इन द डाटा सेंटर एंड द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ रेज फ्लोर्स, फायर्स कैन स्प्रेड अराउंड वेरी क्विकली। आग ऐसे ही होती है ना, आग फैल जाती है, अगर थोड़ी सी लगे तो हर जगह पे फैल जाती है। इवन इफ अ फायर स्टार्ट्स आउटसाइड ऑफ अ डाटा सेंटर कंप्यूटर रूम, द स्मोक हो गया, स्मोक काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग की वजूहत बनती हैं, तो स्मोकिंग ETC इस तरह के काम हमें डाटा सेंटर के बाहर या डाटा सेंटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मोकिंग शुड बी टेकन सीरियसली एज वेल, बल्कि स्मोकिंग तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग जो है वो एज यूजुअल बहुत बुरा पार्ट है।
ठीक है, वो कहीं भी करते हैं और वैसे ही फेंक देते हैं, वो वैसे भी आपके आपकी लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो स्मोक हर किसी चीज़ के लिए सीरियस ही है। इवन इफ देयर इज़ नो फायर ब्रेकआउट, स्मोक एक्सपोजर अलोन कैन कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विद इन द डेटा सेंटर। जी, सप्रेसिंग फायर इन अ डेटा सेंटर कंसिस्ट ऑफ फोर लेवल। वैसे तो ये थॉट्स और फीलिंग्स को कहते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जिसमें सब मतलब इसके फोर लेवल्स हैं। फर्स्ट है फायर प्रिवेंशन, पैसिव फायर प्रोटेक्शन एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम। मेजर्स टू अवॉइड अ फायर इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले तो हमें फायर प्रिवेंशन का सबसे अर्ली स्टेज तो यही है कि हमने फर्स्ट प्लेस के ऊपर ही फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ताकि मतलब मेन फायर से बचाना है। पैसिव फायर अगर हो जाता है अब तो फिर क्या करें। मेजर्स टू लिमिट द एक्सपोजर टू द फायर वंस इट हैज़ स्टार्टेड। फायर डिटेक्शन सिस्टम, सिस्टम्स टू डिटेक्ट स्मोक एंड फायर। मतलब अब जैसे कि आग लग जाती है या कोई स्मोक कर रहा है या कुछ भी होता है, तो फ़ौरन से अलार्म बजे, डिटेक्शन हो जाए कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फायर सप्रेशन सिस्टम, सिस्टम टू एस्टिंग्विश द फायर वंस इट इज़ डिटेक्टेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे एस्टिंग्विश हो चुका है, मतलब अब लग चुकी है, इसको बुझाना है। हमें क्या करना है, बुझाना है, फायर को रोकना है। ईच ऑफ द लेवल अबव शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सारा काम जो है वो हमें केयरफुली परफॉर्म करना है। तो अब ये जो फर्दर पॉइंट्स आ रहे हैं वो फायर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड सप्रेशन के आ रहे हैं नीचे। फायर प्रिवेंशन उसी चीज़ को ही हम देख रहे थे ना, लेवल्स उसके अब ज़्यादा इन डिटेल बता रहे लगे। द बेस्ट वे टू अवॉइड फायर डैमेज इज़ टू एंश्योर फायर डज नॉट स्टार्ट एट ऑल। ठीक है, हमें तो पहले अवॉइड करना है कि कभी भी फायर स्टार्ट ही ना हो। रिस्पेक्टिंग रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग फायर प्रिवेंशन गाइडलाइंस इज ऑफ कोर्स अ गुड प्रैक्टिस। पहले से गाइड कर दो, पहले से ही अपनी जो फायर्स जिसकी वजह से होते हैं, ओवर हीटिंग की वजह से हो रहा है ना, उन इक्विपमेंट को या फिर चेंज कर लो या फिर रेगुलर उसको व्यू करते रहो। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल दिया है कि हमें ये स्पैगटी नहीं क्रिएट करनी। अब इसका क्या मतलब है, स्पैगटी उलझी हुई होती है ना, तो इस तरह है अवॉइड करना है हमें। केबल स्पैगटी इज़ अ वेरी यूजफुल स्टेप इन फायर प्रिवेंशन एज इज नॉट ओवरलोडिंग द पावर सप्लाई कनेक्शन। तो हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना है, तो इससे भी हम जो है वो केबल सीधी सीधी होंगी, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी, क्रैशेस नहीं होगा, तो फिर वो फायर भी नहीं होगा। पैसिव फायर प्रोटेक्शन, पैसिव फायर प्रोटेक्शन लिमिट्स द एक्सपोजर ऑफ फायर वंस इट हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, इसकी लिमिट्स है अगर फायर प्रोटेक्ट करना है। अभी पैसिव हमने पहले अलर्ट करके रख दिया, ठीक है, एक्टिव तब होगा जब कोई इशू होगा, जैसे कि मेजर्स इंक्लूड द इंस्टॉलेशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग टू कीप द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट, एंड फायर वॉल्स अराउंड पार्ट ऑफ डाटा सेंटर टू रिस्ट्रिक्ट द फायर टू अ सर्टेन डाटा सेंटर कंपार्टमेंट। मतलब उसको पहले से ही इंश्योर करना, अपनी प्रोटेक्टेड सिस्टम बना के रखना, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी सारा एम्बेड करना है इसके अंदर। बी अवेयर ऑफ वल्नरेबल फायर एंट्री पॉइंट्स सच एज केबल्स हो गया, कूलेंट ट्यूब्स हो गए, एयर डक्ट्स हो गए। तो ये वाला जो आपके सारे पॉइंट्स हैं शुड बी क्लियर होने चाहिए, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल्स के साथ यूज़ होने चाहिए। हमें इसमें पहले से ये चीज़ करनी है, जैसे कि मैं हर चीज़ में प्रोटेक्शन दे रही हूँ कि मैं ये वाली केबल यूज़ करूँ इससे आपके फायर नहीं होगा, मैं ये वाला मेटल यूज़ करूँ इससे फायर नहीं होगा। मतलब अपनी ऑलरेडी जो चीज़ें यूज़ करनी है उसमें हम अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
फायर डिटेक्शन सिस्टम, मतलब लाइक स्मोक कर रहा है या कोई फायर हुआ है तो वो अलार्म हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंटरप्शन ऑफ पावर हो गया, कोई भी वजह हुई है, मैनुअली हुई है, ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन हुई है या किसी भी तरीके से हुआ, तो यहाँ पे हम अलार्म बजाएंगे, मतलब एक अलार्म लग जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी होगा तो वो फ़ौरन से बीप साउंड देगा और आपको अलर्ट कर देगा, ओवर हीट होगा या कुछ भी होगा। फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर नीड थ्री कंपोनेंट्स टू एग्जिस्ट। हमें पता है कि फायर को थ्री कंपोनेंट जो है वो उसकी, मतलब फायर किस वजह से होता है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इफ एनी ऑफ दीज थ्री लेक आ फायर विल स्टॉप। अब ये कैसे स्टॉप हो सकता है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। फायर, ये ट्रायंगल है फायर की, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। सो इन जनरल देयर आर थ्री वेज टू स्टॉप अ फायर। अब इन तीन जरिए से, यही तीन वजह होती हैं, ठीक है, हीट हो जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, इनकी वजह से ये आग लग जाती है, इनकी वजह से स्टॉप की जाती है। तो रिडक्शन और आइसोलेशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, मतलब उसको लो करना है, कम से कम करना है, रिडक्शन ऑफ हीट, हीट अपनी कम से कम करनी है, रिडक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इन तीनों चीज़ों में रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है इनको, और जितना ये कम होगा उतना ही आपके डाटा सेंटर के लिए अच्छा होगा और ये फायर का जो मसला है वो नहीं होगा। पुटिंग आउट अ फायर बाय रिड्यूसिंग हीट यूजिंग वाटर। डैमेज क्रिएटेड बाय द वाटर माइट बी वर्स देन फायर इट्सेल्फ। वही, अगर पानी की, पानी की, पानी जो है आपका कैसे रिड्यूस करेगा हीट को। देखिए पानी की वजह से भी तो आग लग जाती है, उससे बुझती नहीं है, उससे भी लग जाती है, क्योंकि अगर ऑलरेडी वहाँ पे क्रैश हो रहा हो और कहते हैं ना जल्दी पे पानी डालना तो वो और ज़्यादा सुलगती है, तो यही वो वाला हिसाब है यहाँ पे। एनीवे आप लोगों ने, मतलब हमें जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमें थ्रू आउट ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए, हमें हर चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जब एक बंदे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर किया जाता है तो उसमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, पहले ऑलरेडी मैनेजमेंट की। यहाँ पे है जी आर्गन फायर सप्रेशन सिस्टम, ऐसे ही है ना वो आग बुझाने वाला, तो ये इस चीज़ को ऑलरेडी सेट किया जाए ताकि वक्त पे ही फ़ौरन से ही काम आ सके। इक्विपमेंट रैक्स, वाइल मेन फ्रेम्स एंड लार्ज मिड रेंज सिस्टम्स आर टिपिकली हाउस्ड इन डेडिकेटेड फ्लोर स्टैंडिंग चेसिस। मोस्ट, मतलब ये आपके जो विंडो है, एंड 86 एंड मिड रेंज सिस्टम टूडे आर इंस्टॉल्ड इन रैक्स। अ रैक इज अ स्टैंडर्डाइज मेटल इनक्लोजर टू हाउस आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। तो टिपिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब अब आपकी जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं रैक्स का, उसकी बता रहे हैं कि इतनी मैयड होनी चाहिए, इतना उसकी हाइट होनी चाहिए, टिपिकली उस रैक की हाइट, वेथ, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना जो सर्वर है उसका क्लोज़र कितनी हाइट का होना चाहिए। लाइक दिस, ये एक रैक है, ठीक है, उस रैक में हर चीज़ को सेपरेटेड जो है वो डिफाइन किया गया, यहाँ पे राउटर पड़ा है, यहाँ पे सर्वर पड़ा हुआ है, रैक्स बना दिए हुए। अब ये रैक को डिज़ाइन करने के टिप्स हैं, हम घर डिज़ाइन करते हैं ना, तो इसी तरह ये चीज़ है कि जब आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उस लैब की बात करते हैं जिसे हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे रैक्स जहाँ पे आपने एक्चुअली इक्विपमेंट्स रखने हैं वो कैसे होने चाहिए। व्हेन प्लानिंग रैक प्लेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, चेक
if the rack will fit through doors and in elevators if needed. Make sure the rack are deep enough for the equipment to be installed in them. मतलब आपने रैक्स ऐसी बनानी है कि उस वो प्रॉपर जो है वो उसमें सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे. प्लेस रैक्स इन डेटा सेंटर सच दैट वन कैन वॉक अराउंड देम. ये तो नहीं है कि आप खुद ही उसके इर्द गिर्द मूव होकर उसमें सेटल नहीं कर रहे हो चीज़, ठीक है. मतलब स्पेसिस होनी चाहिए, ओपन स्पेसिस होनी चाहिए. Make sure there is enough room in the data center for extra racks and don't fill up the racks completely to enable future expansion. उसको totally ना full fill करें, उसमें space भी छोड़ें ताकि आप future में भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उस पर scalability करने की तो आप कर सकें. Make certain the rack doors can be opened both on the front side and back side. दोनों side से rack open होना चाहिए, ठीक है. अगर हमें हीट से भी बचाना है उसे, ठीक है, ओपन डोर्स होने चाहिए. यूजुअली नेटवर्क इक्विपमेंट्स लाइक स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, इंस्टॉल करते हैं फ्रंट ऑफ द बैक ऑफ द रैक. इनेबल्स इजीली हैंडलिंग ऑफ द केबल्स. मतलब हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, हमें उसको हैंडल करना है. तो रैक्स ऐसे बनाने हैं, देखिए अगर आपसे मतलब अब इजीली केबल्स नहीं लगा पा रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का. हमें खुद ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि ये क्या है, ठीक है. तो वो अगर लग नहीं रही तो वो अगर लगा देंगे तो वो कल क्या बनेगा उन वायर्स का, कोई क्रैशेज हो सकती है. तो हर एक चीज़ को प्रॉपर आपने सेट करना है. ओके जी, KVM स्विचेस व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वर इन अ सिंगल रैक. अगर बहुत ज़्यादा लार्ज सर्वर हैं एक ही रैक के अंदर, इट इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर ईच वन ऑफ हैव इट्स ओन सेपरेट कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर. तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना KVM, ये है कीबोर्ड वीडियो माउस. इंस्टेड KVM कीबोर्ड वीडियो माउस विच कैन बी यूज. तो हम वहाँ पे क्या कर लें, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स हैं तो आप वहाँ पे स्विच लगा लो ना, तो इतना गड़बड़ क्यों मचाई हुई है. तो उनके साथ हम एक स्विच लगाते हैं, कंबाइन कर देते हैं, उस रैक को माउंट कर देते हैं ताकि कीबोर्ड और जो भी डिस्प्ले करना है हमने वो एक ही चीज़ों के ज़रिए हो जाए. अ KVM स्विच इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ अ यूज़र टू कंट्रोल मल्टीपल सर्वर फ्रॉम अ सिंगल कीबोर्ड वीडियो मोनिटर एंड माउस, ठीक है. तो सर्वर का बेसिकली पर्पज़ भी यही होता है, इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो गई हैं स्विचेस के साथ, ठीक है. इसलिए इसको कहा कि हम KVM स्विच को यूज़ कर लें. मोस्ट KVM स्विचेस आल्सो अलाउ कंट्रोल टू बी स्विच्ड थ्रू कीबोर्ड कमांड्स लाइक हिटिंग अ सर्टेन की, ऑफर्स अ क्रॉल लॉक रैपिडली 2 or 3 times और वाया ओनली स्क्रीन क्या है उसके साथ हम डिस्प्ले देख रहे होते हैं. सो सम KVM स्विचेस आर यूटीपी वायर्स होती हैं ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड ऑपरेट ओवर TCP और IP, अलाउइंग आर नॉर्मल PC टू वर्क ऑन वन ऑफ द सर्वर्स रिमोटली. सो यहाँ पे इसका सारा कंट्रोल जो है वो TCP/IP के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन सर्वर जो है वो रिमोटली एक्सेस प्रोवाइड कर रहता है. मतलब हम इस स्विच की वजह से, इस स्विच की वजह से हम इसको डेटा सेंटर के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि रिमोटली का क्या मतलब होता है, आपको कहीं भी एक्सेस उसकी मिल सकती है. ओके, ये जो डेटा सेंटर केबलिंग एंड पैचिंग है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि मेनली ये पॉइंट्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, मतलब कंटिन्यू है अभी तक. आपके डेटा सेंटर्स में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. उसके बाद हमने रैक्स को डिज़ाइन होते हुए देखा कि मतलब रैक्स इस तरह डिज़ाइन होना है. अब इसकी क्या मतलब तरीकाकार है, ये जो फायर प्रिवेंशन सिस्टम है उसको देखा है, एंड देन बाकी तो कूलिंग इफेक्ट्स था उससे रेलिवेंट इसको किया है.
तो इस सब्जेक्ट में यही चीज़ ही है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें थ्रू आउट सारी चीज़ आ जाती है, अपने नेटवर्किंग को कैसे मैनेज करना है, अपने विजुअलाइजेशन को कैसे मैनेज करना है और क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे मैनेज करना है, मतलब ये सारे ही सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। थ्रू आउट एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्चुअली रेडी करनी है। ओके जी स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।